नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, वैसे तो इट्स ट्यूसडे और आज हमारा इंग्लिश की ग्रामर जो है आपकी, उसकी कोई क्विज आनी चाहिए थी, उसका कोई टॉपिक मैं आपको बताती, लेकिन फिर बीच में याद आया कि एक्चुअली एक सब्जेक्ट और है आपका केवी में जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आजकल हमें ज़्यादा पता लग रहा है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं आप सभी घर पर है, स्कूल नहीं जा सकते, सभी पढ़ाई काम जो है आपके वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो उसमें कंप्यूटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो चलिए भाई, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है आगे के टाइम में, जैसे भी सर्कमस्टांसिस रहे आप सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारा आज फर्स्ट इसकी क्विज़ है। फर्स्ट आपका, पहले एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको चीज़ों को, एंड देन लास्ट में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको क्विज़ मिलेगी। तो पहले आप सभी चीज़ें ध्यान से समझेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं कंप्यूटर्स के बारे में उनको करने वाले हैं। तो जो पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उन सब के बारे में सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आप लास्ट में क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता लग जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट, पहले आपको बता देते हैं कंप्यूटर है क्या। ये डेफिनेशन नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है कि कंप्यूटर्स क्या होता है। सो अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस फॉर वर्किंग विद इंफॉर्मेशन। सिंपल, एक कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन के साथ काम करता है, इन्फॉर्मेशन के साथ वर्क करता है। जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे वो वैसे ही वर्क करेगा। आपने उसको एडिशन के लिए बोला तो वो ऐड करेगा, आपने उसको पिक्चर दिखाने के लिए बोला तो वो आपको पिक्चर दिखाएगा। अगर आपने उसको, जैसा भी आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, वैसा ही वो आपका वर्क कर देगा, आपको आउटपुट देगा। द इन्फॉर्मेशन कैन बी नंबर्स, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वर्ड्स आप टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती है, मूवीज और साउंड्स, कुछ भी हो सकता है आपका ये इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर के पास जाती है। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, या आप देखना डाटा नहीं बोलना है पहले तो उसको, डेटा। जो भी आप कंप्यूटर पे लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो आपकी पिक्चर है, चाहे वो आपके वर्ड्स आप टाइप कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी डेटा होती है जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है। ओके, कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली। और कंप्यूटर जो है बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ बहुत जल्दी क्या कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। ओके, तो चलिए ये कंप्यूटर्स के बारे में हो गया, बट अगेन ये सिर्फ बताया गया कंप्यूटर क्या है, ये आपकी डेफिनेशन नहीं है, आगे जाके हम वो भी करेंगे। एक मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर देती हूँ, बच्चों को ऐसा लगता है जब उनसे पूछा जाता है कंप्यूटर क्या है तो वो इसको कंप्यूटर बताते हैं। ये आपका कंप्यूटर नहीं है, ये एक्चुअली कंप्यूटर का एक पार्ट है, ये मॉनिटर है जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। सो इसको कभी भी आप कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इतना हम एजुकेटेड होना चाहिए हमें कंप्यूटर्स के बारे में। जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो ये पूरा हमारा सिस्टम कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर का पार्ट्स है, दिस 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 एंड ऑल दीज पार्ट्स, इन सभी पार्ट्स को मिला के जो पूरा ये सिस्टम है ये आपका कंप्यूटर। अगर मैं खाली आपको ये दे दूँ, मॉनिटर दे दूँ और कहूँ कि ये कंप्यूटर है ले जाइए आप अपने घर, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, जब तक इसके साथ CPU नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, माउस नहीं होगा, नहीं कर सकते ना आप। तो जब आप कंप्यूटर लेने जाते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो ये सब चीज़ें उसके साथ ही आती है। तो यानी कि कंप्यूटर आपका बहुत सारे जो आपके इसके डिवाइसेस हैं उन सब का मिक्सचर है, तो ये पूरा कंप्यूटर है हमारा। कभी भी आप अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इन सब की आप साथ में हम लोग बात करेंगे, खाली मॉनिटर की बात हम नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपकी डेफिनेशन है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप ये कह सकते हैं अ कंप्यूटर इज अ मशीन। सबसे पहले तो कंप्यूटर मशीन है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, आदमी नहीं है। एक जैसे आपकी बाकी मशीन्स, आपकी वॉशिंग मशीन होती है, आपकी टीवी होता है, बाकी जो मशीन्स जैसे चलती है आपकी, ऐसे कंप्यूटर भी एक मशीन ही है। विच एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा आप उसको देते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करता है। अगर आपने डेटा उसको दिया 2+3, तो ये उसने डेटा ले लिया एंड 2+3 इसको प्रोसेस किया, उसने ऐड किया एंड रिटर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट, और आपको आउटपुट दे दिया 5। जैसे आपका कैलकुलेटर करता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन करता है, सेम कंप्यूटर का भी यही है। आप उसको डेटा देते हैं, वो डेटा लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। ओके, जैसे आप YouTube पर जाते हैं, वहाँ पर आपने टाइप किया किसी भी वीडियो का, तो वो डेटा कंप्यूटर ने लिया, उसको प्रोसेस किया और फिर आपको आउटपुट वो सारी वीडियोस के जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखा दिए।
समझ गए आप सभी। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ मशीन, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, एक मशीन है विच एक्सेप्ट डेटा, डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है एंड रिटर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट, और आपको आउटपुट देती है न्यू इन्फॉर्मेशन, एक नई इन्फॉर्मेशन देती है, दैट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप डेटा देंगे, वो अपने आप उसको प्रोसेस करेगी एंड देन आपको इन्फॉर्मेशन देगी, दैट इज अ कंप्यूटर। ओके, अब जैसा कि आपको बताया गया, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बनता है। खाली आपकी स्क्रीन जो दिख रही है आपको, वो खाली ये कंप्यूटर नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं सबको मिला के कंप्यूटर बनाया जाता है। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू डू देयर स्पेसिफिक टास्क, हर एक पार्ट का अपना अलग टास्क होता है, क्या टास्क है, क्या पार्ट्स काम करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड डिवाइसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। ये इस डिवाइस का क्या नाम है, इस डिवाइस का क्या नाम है, तो ये जो कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स हैं आप उनको डिवाइसेस बोलते हैं। चलिए, तो दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो कंप्यूटर क्या कहते हैं और कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको डिवाइसेस बोलते हैं। कंप्यूटर हम बोलते हैं एक मशीन को जो आपको से डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट देती है। ये देखिए, अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, कैसे इनको डिवाइड किया गया, किस तरीके से स्टडी करेंगे वो हम आगे देखते हैं। सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कंप्यूटर के पार्ट्स को, एक होते हैं आपके इनपुट पार्ट, एक होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस आज की क्लास में हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये और हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ये एक्चुअली मैं फोर्थ एंड फिफ्थ के बच्चों को ही कराऊंगी सिर्फ। बट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आप सभी को पता होनी चाहिए। अब होते क्या है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आगे हम बहुत डिटेल में इनको करने वाले हैं। अभी सिर्फ आप नाम देख लीजिए, इनपुट डिवाइस आपके होते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा। आउटपुट डिवाइस आपके होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी आगे करने वाले हैं एक एक चीज़ को कि कौन क्या है। चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है, एन इनपुट डिवाइस लेट यू टॉक टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस हम उन्हें कहते हैं जो आपको कंप्यूटर से बात करने में हेल्प करते हैं। बात करने में कैसे, ऐसे बात नहीं करनी है कंप्यूटर से, हेलो हाय एंड ऑल दिस, आपको कंप्यूटर को जो बताना है, जो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को, सपोज करिए आप चाहते हैं कि कंप्यूटर आप जो टाइप कर रहे हैं वो आपको सामने दिखाए, तो कौन सा डिवाइस आपका हेल्प करेगा, आपका ये वाला डिवाइस आपकी हेल्प करेगा बताने में कंप्यूटर को। अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube खोले या फिर आप कोई भी ऐप खोलना चाहते हैं, तो आपका कौन सा डिवाइस हेल्प करेगा, आपका माउस आपकी हेल्प करेगा। तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हमारे वो होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं अपनी बात को कंप्यूटर तक बताने में, जो आप चाहते हैं ये कंप्यूटर को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो आपके दिमाग से कंप्यूटर के दिमाग को जो चीज़ें बताते हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, एक एक करके सीखते हैं। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सबने देखा होगा, देखिए अगर नहीं देखा तो दिखा देते हैं, ये आपका कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में। ओके, ये क्या होता है, इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, पहले टाइपराइटर्स होते थे जो सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज होते थे, तो ये टाइपराइटर जैसा दिखता है। इट हैज़ मेनी बटन्स, बहुत सारे बटन्स इसमें होते हैं। देखिए, ये तो आपके अल्फाबेट्स हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर ए बी ए टू जेड भी होते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 जीरो तक ये भी होते हैं, यहाँ भी 1 2 3 होते हैं, और भी बहुत सारे बटन है। बैक स्पेस इसमें होता है, अगर आपको जूम करके दिखाए, एंटर होता है, शिफ्ट होता है इसमें, एंड देन ये टैब का बटन होता है सबसे बड़ा, है ना। तो ये कुछ बटन्स होते हैं इसमें जिसके कैप्स लॉक होता है, जिसके अलग अलग यूजेस हैं। एक एक बटन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा है कंप्यूटर का। तो चलिए, ये हमारे ये F1 F0, ये कुछ कीज होती है इधर, है ना, ये सभी नंबर लॉक एंड ऑल। तो ये हमारा, इसमें बहुत सारी कीज होती है आपके कीबोर्ड में। नेक्स्ट, द बटन ऑन द कीबोर्ड्स कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। इसके ऊपर जो ये बटन्स हैं इनको बटन नहीं बोलना कि कौन सा बटन प्रेस करो, इनको बोलते हैं की। आपको कुछ बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए ताकि आप किसी से कंप्यूटर के बारे में बात करें तो लगे कि हाँ इस बच्चे को कंप्यूटर आता है, तो आप कीज बोलेंगे कि कौन सी की प्रेस करूँ, जेड की, ई की, आर। तो इनको नेक्स्ट टाइम से जब मैं भी बोलूंगी तो मैं की ही बोलूंगी, बटन हम नहीं यूज करेंगे, बटन आपकी शर्ट के बटन नहीं है ये। ओके, सो इनको हम बोलते हैं कीज।
यू यूज़ द कीबोर्ड टू टाइप लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बल्स. अगर आपको कुछ भी टाइप करना है कंप्यूटर पर तो आप इससे टाइप करेंगे. सपोज करिए आपको आपका नाम टाइप करना है, आपका नाम आशा है, तो आप पहले ए की को प्रेस करेंगे, देन एस, देन एच, देन अगेन ए. तो आशा आप इस तरीके से लिख देंगे और आपके कंप्यूटर पर आशा लिखा हुआ आ जाएगा. क्लियर है? तो ये है हमारा कीबोर्ड जो हेल्प करता है टाइप करने में चीज़ों को. कंप्यूटर के ऊपर नंबर टाइप करने, आपको लेटर्स टाइप करना है, कुछ भी आपको लिखना है तो आप इसके थ्रू लिखेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं. और इसमें बहुत सारी आपकी कीज़ होती है और ये आपका एक इनपुट डिवाइस है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है हमारा, दैट इज़ माउस. माउस हम बोलते हैं चूहे को, और एक्चुअली में चूहे जैसा ही दिखता है. देखिए ये है ना आपका, ये इसकी टेल है, पूंछ जो होती है चूहे की लंबी सी, तो ये हमारा माउस है और ये भी एक इनपुट डिवाइस है. अब माउस किस काम में आता है, देखिए इट अलाउज यू टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑन एंड ऑन स्क्रीन पॉइंटर. जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर होता है, इस तरीके से एक एरो होता है, आपको जहाँ भी जाना है वो एरो आपको लेके जाता है. फ़ोन में तो आप हाथ से कर लेते हैं, टच स्क्रीन होता है, बट कंप्यूटर टच स्क्रीन नहीं होते. खैर आजकल टच स्क्रीन भी आ गए आपके लैपटॉप्स एंड ऑल जो है, तो ये ऐसा एक पॉइंटर होता है. अब आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो आपकी इसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, पॉइंटर की मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है माउस. आप माउस पर हाथ रखिए, प्रेस करिए और इसको जहाँ आप घुमाना चाहते हैं आप वहीं घुमा सकते हैं, पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन, पूरे अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर. वेन यू मूव अ माउस, जब आप माउस को मूव करते हैं द कर्सर ऑल्सो मूव, तो जो कर्सर है वो भी मूव करता है. यू कैन यूज़ द माउस टू टेल द कंप्यूटर वॉट टू डू. अगर आपको कंप्यूटर को बताना है कि मुझे क्या करना है तो आप माउस का यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं. नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. ये बहुत बच्चों के लिए नया हो सकता है क्योंकि जॉयस्टिक जनरली आपने कंप्यूटर में नहीं देखी, ज़रूरत भी नहीं होती, कंपलसरी नहीं है. जैसे हमने देखा ये दोनों कंपलसरी थे आपके, माउस होना ज़रूरी है, कीबोर्ड होना ज़रूरी है, बट आपके जो जॉयस्टिक एंड डिजिटल कैमरा है इनके बिना भी आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क करता है. जॉयस्टिक उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बहुत वीडियो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में. तो जॉयस्टिक होता है, इट ऑफन यूज टू प्लेइंग गेम्स, कंप्यूटर गेम्स. कई कंप्यूटर गेम्स होते हैं जिनमें जॉयस्टिक की ज़रूरत होती है, आप जॉयस्टिक से कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं. देखिए ऐसी दिखती है आपकी जॉयस्टिक, ये बटन्स होते हैं लेफ्ट राइट अपर एंड ऑल, और ये कुछ चीज़ें होती हैं आपके कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब से आपके ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑल होने लगी है. तो डिजिटल कैमरा में क्या होता है, इट लेट्स यू टेक योर पिक्चर, या आपके इस तरीके से कंप्यूटर के आपके मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ये फिट हो जाता है और जो भी आप सामने कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता है. सो ये है आपका डिजिटल कैमरा और ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस ही है क्योंकि इससे आप कंप्यूटर में दिखते हैं, आप बताते हैं कंप्यूटर के कि आप क्या करना चाहते हैं. तो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस थे, आपको समझ में आ गए होंगे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड डिजिटल कैमरा. अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पर. तो देखिए आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं. अब आपने तो कंप्यूटर को अपनी बात बता दी कि आपने टाइप कर दिया, कर्सर को बता दिया कि मुझे ये करना है. अब कंप्यूटर आपको अपनी बात कैसे बताएगा, वो कैसे आंसर करेगा आपको. वो आपको आंसर करता है आउटपुट डिवाइसेस से. एन आउटपुट डिवाइस लेट्स द कंप्यूटर टॉक टू यू. आउटपुट डिवाइस से कंप्यूटर आपसे बात करता है. कैसे, देखिए आपने कुछ भी टाइप किया, आपने कहा कि मुझे आइस एज मूवी देखनी है, तो आपने टाइप किया, आप यूट्यूब पर गए, आपने टाइप किया आइस एज. अब आपने तो कंप्यूटर को अपनी बात बता दी, अब कंप्यूटर भी आपको जो आपने कहा है वो करेगा, तो कंप्यूटर आपको आइस एज कहाँ दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर. कोई भी मूवी अगर आपको देखनी है, फिर आप चाहते कोई गाना आप सुने, तो सॉन्ग आपने तो बता दिया कंप्यूटर को, आई वॉन्ट टू लिसन दिस सॉन्ग, ये सॉन्ग प्ले कर दो. छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रहे. अब कंप्यूटर कैसे प्ले करेगा उसको, आपकी बात कैसे बताएगा, वो बताएगा आपको स्पीकर के थ्रू. तो जिनके थ्रू कंप्यूटर आपको अपनी बात बताता है उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं इनको. सबसे पहला है हमारा मॉनिटर. जैसा मैंने कहा बहुत बच्चे मॉनिटर कंप्यूटर में ही कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें लगता है कि मॉनिटर ही उनका कंप्यूटर है. तो मॉनिटर एक्चुअली में स्क्रीन होती है ये आपकी. तो इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन, जैसे आप टीवी देखते हैं उसमें स्क्रीन पर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चीज़ें आती है उसको आप मॉनिटर बोलते हैं. यू कैन सी द वर्क यू हैव डन ऑन द मॉनिटर, आपने जो भी काम किया वो आप मॉनिटर पर देख सकते हैं. देखिए ये आपका मॉनिटर है. दिस, किसी बच्चे ने कहा कि मुझे एक सी की पिक्चर दिखाओ या फिर एक मुझे बोर्ड दिखाओ, तो कंप्यूटर ने उसकी बात मानी और उसको बोर्ड दिखा दी. अब कंप्यूटर ने कहाँ पे बोर्ड दिखाई, स्क्रीन के ऊपर अपनी
मॉनिटर के ऊपर। तो ये मॉनिटर क्या, वो आउटपुट डिवाइस हुआ, इसने कंप्यूटर की हेल्प की आपको रिस्पॉन्ड करने में। ओके, सो दिस इज मॉनिटर, ये आपकी जो स्क्रीन जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखती हैं इसे आप मॉनिटर कहते हैं। जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स का मॉनिटर है ये। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर के बिना भी कंप्यूटर चलते हैं। प्रिंटर एक्चुअली जो ऑफिसेज हैं या फिर आपके घर में, जब आपको कोई, आपने कुछ चीज़ लिखी और आप चाहते हैं कि वो आपके हाथ में ऑन पेपर आ जाए, जैसे ये पिक्चर आपने देख ली यहाँ पर, अब आपको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी, आप इस पिक्चर का प्रिंट करके एक पेपर पर लेना चाहते हैं, फिर अपने घर में कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा डिवाइस से आपने कहा कंप्यूटर को कि प्रिंट दिस पिक्चर, आपने टाइप कर दिया, अब कंप्यूटर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा इसके थ्रू, दिस इज कॉल्ड प्रिंटर, इसको हम प्रिंटर बोलते हैं, वो आपकी पिक्चर को प्रिंट करके आपको दे देगा ऑन पेपर। सो प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रिंट्स एंड ऑन पेपर द वर्क यू हैव डन ऑन कंप्यूटर, जो काम आपने कंप्यूटर पर किया है उसको ये पेपर पर प्रिंट करके आपको देता है। नेक्स्ट इज स्पीकर। स्पीकर्स क्या करते हैं, आपको कोई सॉन्ग सुनना है तो कंप्यूटर आपको कैसे सुनाएगा, थ्रू स्पीकर। सो स्पीकर्स आर डिवाइसेस दैट मेक यू हेयर साउंड्स फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से कोई भी साउंड आपको सुननी है वो आपको स्पीकर के थ्रू ही सुनाई देगी। ध्यान रखना, स्पीकर में आप बोल नहीं सकते, बोलते आप माइक में हैं, जो कंप्यूटर के माइक होते हैं उनमें आप बोल सकते हैं, बट कंप्यूटर के जो स्पीकर्स हैं उनसे आप सिर्फ सुन सकते हैं, और स्पीकर्स आपके कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, इनसे साउंड आएगी आपको, जो भी कंप्यूटर आपसे कहना चाहता है उसकी। सो ये भी एक कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस आपको समझ में आ गए होंगे। इनपुट हमने पढ़ा कीबोर्ड, माउस आपका, एंड देन डिजिटल कैमरा एंड जॉयस्टिक, और आउटपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, एंड देन स्पीकर। चलिए आगे आते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया हमारा, एक्चुअली ना तो ये इनपुट डिवाइस है ना ही ये आउटपुट डिवाइस है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके कंप्यूटर में सीपीयू ही होता है। सीपीयू क्या है, देखिए पहले आपको दिखा देता हूँ। ये सीपीयू है, आपने कंप्यूटर के साथ देखा होगा ये। ओके, तो सीपीयू की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीपीयू होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। सेंट्रल मतलब सबका सेंटर है, सबका केंद्र यही है, प्रोसेस करता है आपकी उसको, ये एक यूनिट है उसकी। इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे आपका दिमाग है, आप अपने दिमाग से सारी कैलकुलेशन करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, क्लास में आंसर करते हैं, पेपर देते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसे सीपीयू का जो, सॉरी कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो आपका सीपीयू होता है। आपको कुछ भी कहना है, आपने कुछ भी कमांड दी कंप्यूटर, मुझे गाना सुनना है, तो वो डिस्प्ले आपका गाना सुनाएगा स्पीकर, बट उसको कमांड कौन देगा, गाना ढूंढ के कौन लाएगा, ये सारा काम करेगा सीपीयू। जैसे आप आंसर करते हैं क्लास में, वो आंसर तो आप मुंह से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रोसेसिंग पूरी कहाँ हो रही है, माइंड में। तो कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है आपकी सीपीयू में। इट टेल्स द अदर पार्ट व्हाट टू डू, कंप्यूटर ही बताता है बाकी पार्ट्स को क्या करना है। जैसे आपका माइंड बताता है ना, आपके हैंड्स को लिखना है, आइज को देखना है, नोज को स्मेल करना है, ये सभी चीज़ें आपकी, सारे जो तार है आपके सेंस ऑर्गन्स के, सभी आपके माइंड से जुड़े हुए हैं। ऐसे कंप्यूटर के जो सारे तार है वो आपके सीपीयू से जुड़े हुए हैं, सीपीयू से कनेक्टेड होता है सब कुछ। सो दिस इज सीपीयू, ये आपका सीपीयू, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर बहुत सारे तार होते हैं, आपको तो शायद समझ में भी नहीं आएंगे कि किसका कनेक्शन किसके साथ है। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपका माइंड है कंप्यूटर का। ओके, आगे नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आजकल बहुत टाइप के कंप्यूटर आ गए हैं। देखिए, जो ऐसा कंप्यूटर होता है आपका, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, छोटा सा कंप्यूटर होता है, आगे आपका जो कीबोर्ड है वो होता है, ये होता है आपका मिनी कंप्यूटर। देन दिस इज पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, दो में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर ये आपका लैपटॉप है, ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या हुआ है कि सीपीयू एंड ऑल स्पीकर, ये सभी चीज़ें इसी के अंदर ही फिक्स कर दी गई है। अलग से आपको सीपीयू नहीं देखने को मिलेगा, स्पीकर नहीं देखने को मिलेगा, सभी चीज़ें इसी में, कैमरा भी आपका इसी में ही होता है ऊपर, तो सब चीज़ें जब एक उसमें फिक्स कर देते हैं तो ये आपका लैपटॉप बन जाता है। और इसको हम बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपकी अलग होती है, आपका कीबोर्ड अलग होगा, इसमें कीबोर्ड भी अटैच होता है, माउस भी यहीं पे ही होता है आपका, कर्सर आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें अलग होते हैं, तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ये आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये आपको जनरली ज़्यादा नहीं देखने को मिलते होंगे, पुराने जो है चीज़ें वो है। नेक्स्ट इज टैबलेट। आजकल तो टैब चल रहा है, टैब पे आप, इसमें आपका ये जो अलग से, जैसे लैपटॉप में आपने देखा होगा आपका टाइपराइटर अलग होता है, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड अलग होता है, इसमें कीबोर्ड भी इसी के अंदर ही होता है, जैसे आपका फ़ोन है टैब ऑलमोस्ट ऐसा होता है। तो ये आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टैबलेट्स।
पता होना चाहिए, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे एज सच क्वेश्चन के उससे। अब हम आते हैं मेमोरीज पे, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं सोच रही थी नेक्स्ट में कवर कराऊँ, बट बहुत बड़ा नहीं है तो इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपकी मेमोरी है, माइंड है आपका, ऐसे हमने माइंड तो पढ़ लिया, कंप्यूटर का माइंड होता है CPU, लेकिन कंप्यूटर के पास दो मेमोरीज होती है अलग अलग। फर्स्ट मेमोरी है इसकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है इसकी, तो ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी है कंप्यूटर की। जल्दी जैसे आपने कुछ इसको बताया, आपने कहा कि एक वीडियो प्ले कर दो, इसने वीडियो प्ले की, बस फिर ये भूल गया, फिर वो उसमें कहीं स्टोर नहीं रहती है आपकी चीज़ें। ओके, सो दिस इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाती है वो चीज़ें जो इंस्टेंट कमांड्स होती हैं आपकी, ये टेम्पररी मेमोरी है इसकी। और एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरी, जैसे कुछ चीज़ें आपकी मेमोरी में, आप डेली कुछ काम करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्या हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा आपकी मेमोरी में रह जाती है। सेम कंप्यूटर का भी एक पार्ट है ऐसा जो उसकी परमानेंट मेमोरी है, इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली नहीं, रीड ओनली मेमोरी। ओके, वो है आपका रोम, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की। तो दो मेमोरीज होती है कंप्यूटर की, आप याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जो टेम्पररी मेमोरी है, काम किया कंप्यूटर ने, आपने उसको कहा, फिर वो भूल गया उसको, देन रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी होती है परमानेंट मेमोरी, जो काम आपने उसको कहा, आपने उसमें सेव किया, वो उसमें हमेशा परमानेंट रहेगा, आप उसको ना चेंज कर सकते हैं ना इरेज कर सकते हैं। ओके, दिस इज रीड ओनली मेमोरी। सो रैम और रोम भी आप याद रखेंगे, ये दो टाइप्स की मेमोरी है आपके कंप्यूटर की। तो ये देखिए, दिखा देते हैं आपको कैसे कंप्यूटर काम करता है। आपने कंप्यूटर को कहा, ये कंप्यूटर का ब्रेन जो है आपका CPU के अंदर इस तरीके से बहुत सारे वायर्स फिक्स होते हैं आपके, या फिर आपने उसमें कोई पेन ड्राइव अपलोड की या फिर कोई फ्लॉपी डिस्क डाली, तो ये सब उसने एक्सेस किया और आपको इस पर दिखा दिया, दिस इज एक्टिविटी। ओके, सो डन, दैट इज ऑल। आपने मेमोरीज को पढ़ लिया, रैम रोम, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, दैट इज ऑल। अब है आपके क्विज का टाइम, चलिए तो लेट्स टेक अ क्विज नाउ। अब देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से सुना, कितना आपको समझ में आया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं इसमें आपको हिंट्स नहीं दूंगी, क्योंकि जनरली जो आपकी क्विजेज होती है सब्जेक्ट्स, उसमें आपको हिंट दे देते हैं, लेकिन क्योंकि जस्ट मैंने अभी सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है, आपने सुन लिया होगा ध्यान से, आप डायरेक्ट अब मुझे आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आपको यहाँ पे तीन डिवाइसेस के नाम दिए हैं, आपको बताना इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस आपको पता है वो डिवाइसेस जिनसे आप कंप्यूटर से बात करते हैं, जिनके थ्रू। आपके ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर। आप स्पीकर में बोल के कंप्यूटर को बताते हैं, कीबोर्ड पे टाइप करके बताते हैं, मॉनिटर को आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या करना है, मॉनिटर के थ्रू से बताते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से, वीडियो पॉज करिए, जल्दी से आंसर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मॉनिटर इज अ और एन। मॉनिटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपसे बात करता है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर से बात करते हैं, फिर एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका एक ही होता है, दैट इज CPU, जो चीज़ों को प्रोसेस करता है। सो इन दोनों में से आप बताइए मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। आपको तीन यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, तीन ऑप्शन हैं आपके पास, आपको बताना है कौन सा उनमें से टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है। एक कंप्यूटर नहीं होता, लैपटॉप्स कंप्यूटर नहीं होते हैं का टाइप नहीं है, टैबलेट्स कंप्यूटर का टाइप नहीं है, इसको आप टैब बोलते हैं, ये खाने वाली टैबलेट नहीं है, दवाई वाली नहीं, टैब जो आपके कंप्यूटर के जैसे होते हैं इस तरीके से, फ़ोन जैसे होते हैं आपके, या फिर टेलीविज़न, टीवी कंप्यूटर का टाइप नहीं है, नॉट अ टाइप, लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवी, टेलीविज़न। ओके, इजी क्वेश्चन है, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज लक्ष्मी वॉन्ट्स टू राइट हर नेम ऑन कंप्यूटर। लक्ष्मी अपना नाम कंप्यूटर पर लिखना चाहती है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर विल हेल्प हर। आप बताइए कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हेल्प करेगा लक्ष्मी को अपना नाम लिखने में। कीबोर्ड, वो कीबोर्ड पे टाइप करके नाम लिखेगी, स्पीकर, स्पीकर को बोलेगी और नाम लिखेगी, या फिर मॉनिटर, स्क्रीन से नाम लिखेगी अपना, स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक रिडल है आपके लिए, आई एम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर का ब्रेन हूँ, अ कंप्यूटर इज जीरो विदाउट मी। कंप्यूटर मेरे बिना कुछ नहीं है, कोई भी पार्ट बिना ब्रेन के काम नहीं करेगा, आपका भी और कंप्यूटर का भी नहीं करता है। तो बताइए कौन सा वो पार्ट है जो ब्रेन है, जिसके बिना कंप्यूटर का कोई पार्ट काम नहीं कर सकता, मॉनिटर, माउस या फिर CPU।
ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट, आई लुक लाइक टीवी, आई डिस्प्ले वॉट यू राइट. मैं टीवी जैसा दिखता हूँ और जो भी तुम लिखते हो वो मेरे ऊपर डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर दिखाई देता है आपको. हु एम आई, कौन हूँ मैं, मॉनिटर, सीपीयू या फिर माउस. आप जो चीज़ें लिखते हैं आपको मॉनिटर पे दिखती है या सीपीयू के ऊपर दिखती है फिर माउस के ऊपर दिखती है लिखी हुई. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच इज परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. आपको बताया था कंप्यूटर की दो मेमोरीज होती है, एक परमानेंट होती है जो उसको हमेशा याद रहती है, एक टेम्पररी होती है जो आपने कमांड दी और वो भूल जाता है उसके बाद, उसको पूरा करने के बाद. तो कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की, रैम, रोम या फिर सीपीयू. एक्चुअली एक तो इनमें मेमोरी ही नहीं है, वो तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए. दो ही मेमोरीज हैं आपकी, उनमें से बताइए कि परमानेंट कौन सी है. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोग्राम, यू फॉर यूनिट या फिर सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. आपको तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है. ए दिस इज माइक, इसको हम माइक बोलते हैं जिसमें आपके स्कूल में प्रेयर्स एंड ऑल होती होगी, तो ये माइक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है. बी सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, दिस इज बी. या फिर सी माउस कंप्यूटर का पार्ट नहीं है. कंप्यूटर आप सभी ने देख ही लिया, उनमें से कौन सा आपको इन तीनों में से देखने को नहीं मिला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रिंट योर वर्क ऑन पेपर. आपने जो काम किया आप उसको पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं, पेपर पर लिखना चाहते हैं, तो कौन सा पार्ट है जो आपकी हेल्प करेगा इस काम में. आपके ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी स्पीकर या फिर सी प्रिंटर. कीबोर्ड उसको प्रिंट करेगा, स्पीकर करेगा, प्रिंटर करेगा. ओके सो आप सभी ने आंसर्स दे दिए होंगे, होपफुली आपने कंप्यूटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सीखा होगा आज उसके पार्ट्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का करेंगे और आपकी जो बताया था थर्ड यूनिट जो होती है इसकी, जिसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है आपके, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. ओके सो दैट्स ऑल, ये हमारा आज का टॉपिक था कंप्यूटर्स के बारे में. होपफुली आपने कुछ सीखा होगा और जो सीखा है उसको उसके बाद आंसर्स भी आपको आए होंगे क्वेश्चंस के. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.